देख रहे हैं विद्रोही आनंद, मैं हूं आपके साथ अंजू कश्यप। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूपी के 5 बच्चों को मिलेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, पीएम मोदी 25 जनवरी को करेंगे बात। दूसरी बार रामपुर पहुंचे अखिलेश यादव, कहा महामारी की वजह से सरकार ने आजम खान से मिलने नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ बोले मेरठ में गति पकड़ रहा यूपी खेल विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य। लखनऊ के आलमबाग में अवैध टेंट के गोदाम में लगी भीषण आग, 2 बच्चे जिंदा जले। यूपी के ओडीओपी को मिलेगा बड़ा मंच, 24वें हुनर हाट का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। यूपी में मौसम का हाल, मौसम विभाग के दावे हुए फेल, लखनऊ समेत कई शहरों में कड़ाके की सर्दी, 6 डिग्री तक नीचे गिरा पारा। गोरखपुर में काम आई सीएम की हिदायत, धान खरीदने में छोटे किसानों को मिली तवज्जो। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गोली से घायल आरएसएस खंड कार्यवाह का हाल जानने पहुंचे। मेरठ में भाई ने बहन की गोली मारकर की हत्या, एक दिन बाद आने वाली थी बारात। यूपी में बुलंदशहर में आबकारी इंस्पेक्टर और 2 सिपाही गिरफ्तार, शराब तस्कर से लाखों की डील का आरोप। किसानों की चेतावनी को लेकर चौकस सरकार, यूपी में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर अलर्ट, 17 संवेदनशील जिलों में रखी जाएगी कड़ी नजर। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेताजी की प्रतिमा को गंगा जल से नहलाया, पैदल मार्च निकाला। इटावा में छेड़छाड़ की FIR कराने गई पीड़िता को थानेदार ने डांट कर भगाया, अगले दिन लड़की ने ट्रेन से कटकर जान दी। लखनऊ में नजीमुद्दीन और राजभर की जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर टली, MP MLA कोर्ट में 27 जनवरी को लगी अगली तारीख। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।